राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ 26 मई को चंद्र ग्रहण जो बन रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है और साल का पहला चंद्र ग्रहण है ये। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, ये बाकी की जगहों पर दिखाई देगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और जो है प्रशांत महासागर के ऐसे कुछ इलाकों में, वहां पर जाकर ज्यादा इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो चंद्रमा चंद्र ग्रहण जो है वो साल का पहला चंद्र ग्रहण जो 26 मई को लगने जा रहा है, ये वृश्चिक राशि में लग रहा है और अनुराधा नक्षत्र में लग रहा है। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो क्या होता है कि चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है, यानी कि राहु की जो छाया है वो चंद्रमा पर लग जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ढाई दिन के लिए चंद्रमा बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा से जनित कुछ रोग होते हैं, कुछ योग होते हैं, जैसे चंद्रमा उनका कई होगा, कईयों की कुंडली के अंदर नीच का बैठा होता है, कईयों की कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ में बैठा होता है, कईयों की कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ में बैठा होता है, या राहु का एस्पेक्ट चंद्रमा पे होता है, या वो युति बनाकर बैठे होते हैं, केतु के साथ में बैठा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस वो दिन जो होते हैं हमारे, बहुत ज्यादा हमें फाइनेंशियल लॉस एकदम से करवा देते हैं। उन दिनों में हमारा एकदम से जो है हमारे दिमाग में कुछ सुसाइडल जो है टेंडेंसी आ जाती है। और आपने देखा ना, कुछ ऐसे ऐसे दिन होते हैं जिसमें लोग जो है वो घटनाएं जो है वो घट जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है, तो मन डिस्टर्ब होगा तो हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। मन अगर आज आपका खाने का मन नहीं है ना, आपका मन बड़ा उदास है, तो आपके यहाँ पर पड़ा हुआ इतना बढ़िया खाना भी आपको जो है वो स्वाद नहीं लगेगा। तो मन का डिस्टर्ब होना जो है वो क्या होता है कि उससे चंद्रमा हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उपाय भी इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो है ना, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की गतिविधियां जो होती है, जो सौर मंडल में होती है, उससे जो है चंद्र ग्रहण जो है ये हो जाता है। तो 2:17 पर ये चंद्र ग्रहण लगेगा और 7:19 तक रहेगा। 26 मई का दिन है, वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में ये ग्रहण जो है लगेगा। लेकिन गर्भवती महिलाओं को रखना है अपना विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि वैसे एक तो कोरोना चल रहा है, ऊपर से गर्भवती महिलाएं, मैंने तो कितने केसेस यहाँ पर सुने कि बेचारी महिला भी चली गई, उसका बच्चा भी चले गया कोरोना के चक्कर में। तो इसलिए बहुत सारी चीजें अपना अपना पूरा ध्यान रखिए आप लोग। जो गेरू मिट्टी होती है, गेरू मिट्टी को थोड़ा अलता वलता लगाकर उसे अपने पेट पर लगा ले, ताकि आपको उस ग्रहण का असर ना पड़े। कोई चाकू कैंची वैंची का यूज उस दिन ना करें, सुई धागे को ना पिरोए। तो इस तरह से याद आपको थोड़ी थोड़ी बातों का आपने खासा ध्यान रखना है और बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है। वैसे तो कहते हैं कि ग्रहण के अंदर कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप जो है जो मर्जी खाइए, लेकिन बड़े बुजुर्गों के लिए तो ये चीज माफ होती है। तो ग्रहण का जो पीरियड होता है, क्योंकि सूतक काल तो उसमें लग रही है, उपछाया ग्रहण है, उपछाया ग्रहण है, तो इसलिए सूतक काल जो है इसमें मानने जो है वो नहीं होगा। तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये बहुत लकी रहेगा, कौन सी ऐसी राशियां हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये ग्रहण। आपके सभी कार्य बनेंगे, आपके रोग, आपके ऋण, आपके शत्रु आपसे दबेंगे और आपका उस टाइम पीरियड पे उनका नाश होगा। और हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है ये समय। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, आपके काम जो है आपके बनेंगे और आपके रास्ते आपके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और 2 राशियां हैं जिनके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा ये ग्रहण, और वो कौन कौन सी है, वो है मकर राशि और है मीन राशि। मकर राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, उनका मान सम्मान धर्म कार्यों में उनका वो लगेगा, उनका मन जो है धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा और उनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और मीन राशि वालों के लिए, अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है, कोई आपने जो है कहीं से कोई वो कोई कर्जा उठा रखा है, तो आपको धन के लाभ के रास्ते आपके खुलेंगे। इसके बाद आने वाले 15 दिन आपके लिए बढ़िया रहेंगे, क्योंकि ग्रहण से आने वाले 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद का टाइम पीरियड जो होता है वो बड़ा जो है खास होता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ग्रहण लगेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के दिन पूर्णमासी भी है, आज के दिन विशाख मास की पूर्णमासी है, तो ये पूर्णमासी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस दिन ग्रहण लग रहा है इसलिए भी इसकी मान्यता जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज के दिन आपने क्या ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में तरक्की, सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाए। आज क्या करें, आप सुबह उठते आप गंगा जल से नहाए, गंगा जल से नहाए और चंद्रमा को रात को अर्घ जरूर दें। चंद्रमा को, क्योंकि पूर्णमासी भी है तो चंद्रमा को जो है अर्घ जरूर दें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, आप उसमें थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफेद तिल,
डालकर जो है वो जल अभिषेक करें, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और एक उपाय आपने क्या करना है कि आज के दिन आपने क्या करना है, अपनी माता से, अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लें। अगर आपके पास माता दूर है तो उनसे वीडियो कॉल पे बात करें, माता का आशीर्वाद लें। और बूढ़ी महिलाओं को, बूढ़ी बूढ़ी जो महिलाएं होती हैं, उन्हें 20 रुपए का नोट देकर आशीर्वाद लें। उन्हें किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को आप कोई सफेद रंग की साड़ी, या किसी विधवा को मीठा देकर आप आशीर्वाद लें। किसी ब्राह्मण को आप पीले रंग की या सफेद रंग की साड़ी देकर, या फिर कोई सफेद रंग का टॉवल देकर भी आशीर्वाद जो है आप आज के दिन ले सकते हैं। आज के दिन आप थोड़ा सा हल्दी डालकर जरूर नहाएं, अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़के, अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़के, इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और मेडिटेशन जरूर कीजिए आज के दिन, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर मेडिटेशन जरूर कीजिए, और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिए। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वो लोग ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिए, बहुत ही बढ़िया होता है आज के दिन। आज के दिन जो है ना, आप अगर जो लोग कर सकते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं या कहीं ऐसी सिटीज में रहते हैं जहां पर लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, तो आज के दिन आप एक रुद्राक्ष का पौधा, या एक 5 मुखी रुद्राक्ष जो है आप शिवलिंग पर रखकर आए, और एक पौधा रुद्राक्ष का आप मंदिर में लगवाएं। बहुत ही बढ़िया शानदार उपाय है ये, समय बहुत कम आता है। और बहुत से जो है आज के दिन योग बनेंगे, विग्रही योग बनेगा, राजयोग बनेगा, दुर्लभ राजयोग बनेगा, तो ये सारे शुभ संयोग जो है ये बनेंगे। तो ये दिन जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे उपाय अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और दर्शकों, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और ताकि और लोगों को भी पता चले कि हमारे प्रोग्राम कितने बढ़िया तरीके से हम लोग जो है आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। और जो है आज के लिए इतना ही, मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। राधे राधे।